हमारा सिस्टम स्ट्रांग करिए कि किसी अपराधी से सिस्टम ना डरे, सिस्टम से अपराधी डरे। कि एक ही हथकड़ी में दोनों भाइयों को क्यों रखा गया, जांच हो, चार्जशीट दाखिल हो, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, उनको अलग बैरक में रखा जाए। संगम नगरी प्रयागराज में अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद अब जांच का सिलसिला तेजी पकड़ रहा है। अब आज आयोग की टीम और एसआईटी की टीम कॉलविन हॉस्पिटल पहुंची है, जहां पर पूरे सीन को रिक्रिएट किया गया है। पुलिस गहनता से जांच करना चाहती है, आयोग के जो लोग आए हुए हैं वो गहनता से जांच करना चाहते हैं कि आखिर उस रात किस तरीके से हत्यारों ने अतीक अहमद और अशरफ को गोली मार दी जबकि वो पुलिस के संरक्षण में थे। सवालिया निशान लगना तय है क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा हत्याकांड घटा है, कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर लोगों को शक हो रहा है कि आखिर वो कौन सी वजह थी जब ये हत्यारे 7 सेकंड या 12 सेकंड में इतनी गोलियां बरसाकर इन दोनों भाइयों की हत्या कर देते हैं और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं की। पुलिस इस पर कई तर्क दे रही है, लेकिन प्रयागराज के जो लोग हैं वो क्या समझते हैं इस पूरे हत्याकांड के सिनेरियो को, वो क्या कहना चाहते हैं कि जो हत्याकांड हुआ है, जिस तरीके से पुलिस अभिरक्षा में इन दोनों को मार दिया गया, कहां तक सही है ये बताइए। अभी अतीक अहमद उनके छोटे भाई की हत्या कर दी गई है, तो यूपी में बाबा का राज चल रहा है, तो क्या लगता है कि ये जो पूरा कांड हुआ है सही हुआ है? नहीं, ये जो कांड हुआ है वो सही नहीं हुआ है और इसका एक साइकिक इम्पैक्ट आम आदमी के मनोविज्ञान में पड़ा है, क्योंकि गोली चलते हम लोग रोज नहीं देखते हैं, एक्सीडेंट दो होते देखते हैं, हॉस्पिटल में मरते लोगों को देखते हैं, लेकिन इस तरीके से हाई प्रोफाइल क्रिमिनल, वो भी दो भाई, दोनों को अब तक अलग अलग बैरक में रखा गया, अलग अलग गाड़ियों से लाया जाता था, लेकिन उनको एक साथ, और प्लस हमको उस दिन यह समझ में नहीं आया कि एक ही हथकड़ी में दोनों भाइयों को क्यों रखा गया। हमको लगता है कभी कहीं ना कहीं जो इसमें शासन प्रशासन में जो गद्दार टाइप के लोग हैं या जो अतीक गैंग के भी जुड़े लोग हैं, जो ये चाह रहे थे कि अतीक बर्बाद हो रहा है, अब उसका पैसा हमारा हो जाए, उसका सारा साम्राज्य हमारा हो जाए, हो सकता है वो भी मिले हों शूटरों से, तो उन लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसा साजिश रचा जाए कि हथकड़ी एक ही में सटी हो ताकि कोई भाग ना पाए, क्योंकि कभी कभी जब गोली चलता है तो लोग बैकअप में किसी के पीछे भाग जाते हैं, खंभे के पीछे भाग जाते हैं, लेकिन दोनों भाइयों का हथकड़ी एक ही लगी हुई थी और दोनों जो है आयन मौके भाग नहीं पाए और जैसे ही अतीक को गोली लगी अशरफ स्वयं खुद उनके चक्कर में वहां पर गिर गए। और दूसरी चीज, पुलिस को ट्रेनिंग दी जाती है पुलिस लाइन में, ऐसे कोई एसआई दरोगा नहीं बनता है और वो आम आदमी ही नहीं है, उनको समाज का और आम आदमी की रक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई है, सत्यमेव जयते का एक लोगो होता है उनके ऊपर, और वह जब पुलिस अभिरक्षा में न्यायिक कस्टडी में यदि किसी भी व्यक्ति की मौत होती है तो उससे पहले उस पुलिस को गोली लगनी चाहिए था जो अभिरक्षा में, मतलब जिन्होंने लिया था। यहाँ पर अतीक या अशरफ अपराधी हैं, आम आदमी जानता है कि उनके द्वारा किए गए अत्याचार से इलाहाबाद में बहुत लोग प्रताड़ित हैं, सब चाहते हैं, सब नफरत करते हैं अपराधियों को, कोई पसंद नहीं करता है, हम भी प्रेम नहीं करते हैं, लेकिन अगर खुलेआम संविधान की हत्या होगी, लॉ एंड ऑर्डर की हत्या होगी और लोकतंत्र है हमारा, यहाँ पर न्यायपालिका है, जाँच हो, चार्जशीट दाखिल हो, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, उनको अलग बैरक में रखा जाए, उनको जेल में चक्की आटा पिसाया जाए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन प्रोसीजर के तहत किसी को सजा मिलनी चाहिए। इनकाउंटर करके, फर्जी इनकाउंटर करके ये मत दिखाइए आप कि आप लाइन डाटर को देख रहे हैं। दूसरी चीज, अपराध जन्म होने के पीछे कई कारण होते हैं, एक अपराधी ऐसे नहीं बनता है, एक अपराधी के पीछे तमाम कहानी होती है अपराधी बनने में, तो इसलिए जो है अतीक अहमद अशरफ के मरने से लोगों को दुख नहीं हुआ है, लेकिन दुख इस बात का है प्रोसीजर का। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि एक अतीक अहमद का लंबा करियर रहा है अपराध का, आज तक उसको कोई सजा नहीं हुई थी, पहली सजा ये हुई है, तो जो न्यायपालिका है लोगों का विश्वास भी टूटता जा रहा है, क्या कि न्यायपालिका अगर इसी तरीके से न्याय करेगी तो फिर आदमी की उम्र गुजर जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी भी कोई साइकिल चुरा ले तो उसका शायद 6 महीना नैनी जेल में रहेगा, लेकिन बड़े अपराधी जो बड़े हाई प्रोफाइल के अपराधी हैं, किसी भी थाने के या एसओ की औकात नहीं होती है, उसको कालर पकड़ के खींच के ले जाके थाने में बंद करते हैं। ये सारा कानून शासन प्रशासन आम आदमी को प्रताड़ित करता है, बड़े प्रोफाइल के लोगों को ऐसा कुछ नहीं कर पाता है। ऐसा नहीं है अतीक अहमद नहीं, जितने भी हाई प्रोफाइल के माफिया हैं उत्तर प्रदेश में, सब आराम से राज भोग रहे हैं जेल से। आप ये बताइए, ये लॉ एंड ऑर्डर बाबा कहते हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर देख रहे हैं, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश में हम अपराधी टिक नहीं पाएंगे। आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश का कोई भी जेल अतीक अहमद को संभाल नहीं पाया, सारे जेलर हाथ उठा दिए कि हम नहीं संभाल पाएंगे अतीक को, आपने साबरमती भेजा, साबरमती से उन्होंने उमेश पाल जैसा शूट आउट कराया। दूसरी चीज, उमेश पाल शूट आउट हुआ, उसका जो है मनोवैज्ञानिक बहुत ही पैनिक माहौल पड़ा है, इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है छोटे बच्चों पे पड़ रहा है, ये जो गोलीकांड हो रहे हैं। ये बताइए कहीं ना कहीं किस तरीके से ये हत्याकांड हुआ है, 2024 के लिए क्या बीजेपी को फायदा है कि नुकसान? नहीं, बीजेपी इसमें फायदा और घाटा की कोई बात नहीं है, बात यह है कि इसी ये जो अपराध हुआ है ये बहुत घिनौना चीज है, ऐसा होना नहीं चाहिए। पहला चीज जो कि प्रशासन के बीच में अगर कोई अपराधी जा रहा है, इसमें 40-50 सिपाही थे, उसके बाद भी हत्या हो जा रहा है,
अब बताइए प्रशासन के ऊपर कोई मतलब कोई भरोसा नहीं है। एक आम नागरिक को अगर पकड़ लेंगे तो उनको मतलब कस्टडी में ले आकर बंद कर देंगे, मारेंगे पीटेंगे, और उसके बाद बताइए पुलिस के रहते हुए तीन तीन लोग मतलब हत्या करते रहे, 22-23-24-25 साल के लड़के हैं, ये कोई बहुत बड़ा रंजिश वो है, रंजिश मामला है। इसमें जो है उनको मतलब सिखाया गया, पहले ट्रेनिंग दिया गया है, क्योंकि ये खांसे अगर गोली चला रहे हैं तो इसका मतलब पहले से सीखे पड़े हैं। जिगाना मेड पिस्टल थी। नहीं जिगाना मेड पिस्टल तो भाई अब लड़के कहाँ पाएंगे, ये तो पाएंगे नहीं, ये तो कुछ खेल है इसमें, उसमें कोई तरीके से जांच किया जाए, जांच का विषय है, उसमें जो है अतिक का जो आदमी है इससे, क्योंकि लोग जो विपक्षी हैं और भी जो लोग हैं उसमें राजनीतिक रोटियां सेकने में भी लगे हुए हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, राजनीति कोई बात विचार नहीं है इसमें, चुनाव जो है वो अपने जगह है, और इसमें जो हत्या हुआ है ये बहुत गलत हत्या हुआ है। और भी लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए जिस तरीके से हत्या हुई, हत्या होने के बाद अब लोगों के मन में जो अपराधी हैं वो भी डरने लगे हैं कि या तो हम अपराध नहीं करें, उत्तर प्रदेश छोड़ दें, नहीं तो या तो बाबा जी हमारा एनकाउंटर करा देंगे, हमारे घर को गिरा देंगे। देखिए हम इससे थोड़ा सा कम इख्तियार रखते हैं, क्योंकि जो ये हत्याकांड हुआ इससे अपराध कम नहीं होगा, इससे अपराध बढ़ेगा, क्योंकि जब छोटे बच्चे ये सब चीजें देखेंगे, या जो कम उम्र के लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, जिनके लिए दूसरा ऑप्शन ये हो सकता था कि मेहनत करके चीजें कमाएं या कुछ ऐसा रोजगार करें जिनसे उनका परिवार चले, लेकिन अब उनको वो चीजें छोटी लगेंगी, ठेला पे काम करना या कोई काम छोटा नहीं होता, लेकिन अब उनको वो चीजें छोटी लगेंगी, उसके बजाय वो आतंक की तरफ रास्ता घुमाएंगे, तो वो ना होकर के इसको एक सिस्टमेटिक तरीका होना चाहिए। तो जिस तरीके से ये हुआ वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए, और ये किसी सोसाइटी में नहीं होगा। और लोग इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कुछ हद तक कि 40 साल तक उसको सजा नहीं हुई थी, तो अगर किसी को 40 साल तक सजा नहीं हुई या कोई जज उसका केस नहीं सुन रहा है तो ये हमारे सिस्टम का फेलियर है, ना कि उसकी गलती है। हमारा सिस्टम स्ट्रांग करिए कि किसी अपराधी से सिस्टम ना डरे, सिस्टम से अपराधी डरे, और ये जिस तरीके से कराया गया हम इसका पूरा खंडन करते हैं। कहीं कहीं लगता है लगभग 50 दिन के अंतराल पे प्रयागराज के लोगों ने दो लाइव शूट आउट देखा है, तो निश्चित तौर पर अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो कहीं ना कहीं लोगों को दिलो दिमाग में इसका कुछ फर्क पड़ा होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये अब देखिए बड़ा ही अजीब सा सिनेरियो है, लेकिन ये सिस्टम का फेल्योर माना जाना चाहिए, और जान के बदले जान नहीं होनी चाहिए। ये सिस्टम नहीं है कि किसी ने किसी को, हमारे यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन है, वी हैव टू फॉलो इट, और उसके थ्रू अगर उसको कुछ सजा होती है या उसको कुछ मिलता है तो वो हमारा सिस्टम होना चाहिए, ना कि हम अफगानिस्तान के वो तालिबान वाला राज ला दें कि आप बोलेंगे तो हाथ काट देंगे, और ये दुबई वाला, ये सिस्टम नहीं है। हम लोग बहुत संवैधानिक आदमी हैं, सिस्टम से होना चाहिए था, जो हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए। हाँ मानते हैं इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनका नाम आएगा नहीं आएगा, लेकिन ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की बनती है कि उसको पूरा न्याय मिले और हमारा सिस्टम सुधरे। तो बिल्कुल जिस तरीके से लोगों का कहना है कि अतीक अहमद वाकई में अपराधी था, उसको सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन जो रूल है, जो न्यायपालिका है, उसके हिसाब से सारी चीजें होनी चाहिए थी। ये नहीं कि कभी भी किसी का इनकाउंटर कर दिया, जो लोगों के स्पष्ट रूप से ये कहना है कि जिस तरीके से ये पूरा वाकया हुआ है, कहीं ना कहीं इसमें पुलिस का फेल्योर है, सिस्टम का फेल्योर है, जिसको हमारी सरकार को और लोगों को ध्यान देकर इसको सुधारना चाहिए। विवेक पांडे, सौगंध टीवी, प्रयागराज। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।